हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय नेम इज शुभम और ये मेरे पास है आज वैगनार। और ये वैगनार कौन सा मॉडल है? दूसरा 18 वाला मॉडल है। तो 18 वाला मॉडल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके बाद जो है नया वाला मॉडल आएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें चेंज की गई हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं पुरानी है रखी गई हैं गाड़ी के अंदर। बट देख सकते हो वैगनार काफ़ी ज़्यादा अपने हिसाब में मतलब कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल रहा है। ठीक है, हर कोई की पसंद रहती है वैगनार, ऑल्टो, ये मारुति सुजुकी की बहुत ही बेस्ट सेलिंग कार्स रही हैं। ठीक है, और कितनी प्रैक्टिकल है ऑलरेडी। देखो, फैमिली कार के लिए बहुत सही लग जाता है क्योंकि इसके अंदर आपको लेग रूम, हेड रूम और शोल्डर रूम वगैरह सब कुछ आपको अच्छे से मिल जाता है। फैमिली ज़्यादातर यही प्रेफर करती है कि हाँ ये गाड़ी मिल जाए ऑफिस पर्पज़ के लिए, फिर नॉर्मल पर्पज़ से अपना यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसके लिए काफ़ी सही रहती है। एवरेज वगैरह भी सही निकाल देती है गाड़ी। तो ये VXI मॉडल अपने पास अवेलेबल है, 2018 मॉडल है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है वो देख लेते हैं। तो फ्रंट में आपको यहाँ पर इस तरीके की लाइट्स वगैरह देखने के लिए मिल जाती हैं, मारुति का लोगो मिल जाएगा। ब्लैक कलर की ग्रिल देखने के लिए मिलती है यहाँ पर, ऊपर ऊपर क्रोम की पट्टी एक देखने को मिल जाती है यहाँ से लेकर वहाँ तक। नीचे आपको फॉग लैंप भी देखने के लिए मिल जाते हैं इसके अंदर। तो ये तो हो गया इसका फ्रंट मॉडल। ठीक है, इसका साइड में अगर बात करें तो इंडिकेटर आपको ओवरव्यू में देखो इंडिकेटर तो मिलते नहीं है, मारुति है भाई, यहाँ पर आपको साइड में इंडिकेटर दे देती है। यहाँ पर आपको फोक व्हील मिल जाते हैं और अलॉय व्हील, अलॉय कैप मिल जाते हैं। अलॉय मतलब दूर दूर तो लगेगा भाई अलॉय व्हील्स लग रहे हैं। तो अलॉय व्हील्स अपने हिसाब से आफ्टर मार्केट आप चाहे बहुत कुछ कर सकते हो उसके बीच में। नीचे आपको ये ब्लैक कलर की पट्टी देखने के लिए मिल जाती है, ऊपर आपको रेन वाइजर देखने के लिए मिल जाते हैं, ऊपर डोर पे लगे हो काफ़ी बड़े हैं, ऐसा नहीं कि छोटे हैं। तो साइड से कुछ इस तरीके से आपको ब्लैक कलर की पट्टी दिख जाती है, ऊपर रूफ रेल्स वगैरह दिख जाएंगे, यहाँ पर एंटीना वगैरह भी लगा रखा है। रेन वाइजर यहाँ पर डोर वाइजर देखने के लिए मिल जाएंगे और काफ़ी बड़े हैं, ऐसा नहीं कि छोटे हैं। ठीक है, अंदर इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। मैनुअल आपको इसके अंदर ORVM देखने के लिए मिलते हैं दोनों तरफ के, तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, चारों पावर विंडो मिल जाती है, यहाँ पर चाइल्ड लॉक मिल जाता है। तो इंटीरियर में कुछ इस तरीके से आपको स्टेयरिंग व्हील वगैरह मिलता है, सीट वगैरह आपको ऐसी नॉर्मल सी मिल जाती है। वैसे जगह तो काफ़ी है, खैर उस हिसाब से अगर स्क्वायर शेप में आ जाती है, स्क्वायर शेप में आपको लेग रूम, हेड रूम एक बराबर टाइप में मिल जाता है। पीछे की भी बात करें तो आराम से बेंच वगैरह मिल जाती है। तीन लोग तो मतलब कि दो लोग बड़े और एक बच्चे को बैठा ही सकते हैं, वैसे तो बैठ ही जाते हैं तीनों, बड़े बड़े बैठ ही जाते हैं, घुस घुस के बीच के मिल ही जाते हैं जगह। बट कोई नहीं, यहाँ पर आपको AC कंट्रोलर वगैरह मिल जाते हैं। ये पहले का क्लासिक इंफोटेनमेंट सिस्टम जो आता था, अब तो खैर बड़ा देते होंगे, तो इधर आपको छोटा सा स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पर मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा, यहाँ पर आपको 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ मिलता है एंड यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है। कप होल्डर तो बोल नहीं सकते, नॉर्मल सा स्पेस मिल जाता है, कप होल्डर आपको इसके अंदर नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पर काफ़ी रॉ तरीके से बनाई गई ये गाड़ी, यहाँ पर कितना ही देखो कितना बड़ा स्पेस है, बाप रे, 50 लीटर की बॉटल आ जाएगी इसके अंदर। बैक में दिखा देता हूँ, थोड़ा बड़ा देना चाहिए था, यहाँ पर भी कोई मतलब नहीं है, यहाँ तो दिया ही नहीं है, ऐसा लगता है कि डिज़ाइन की वजह है। यहाँ पर छोटा सा आपको बस पकड़ने के लिए दिया था, पावर विंडो कंट्रोल यहाँ पीछे मिल जाएंगे। बैक में भी अगर देखें तो यहाँ पर लेग स्पेस की कमी नहीं है, वैसे लेग रूम तो काफ़ी अच्छा है। पीछे भी बात करें तो डिग्गी मिल जाती है आपको, ठीक है, बूट मिल जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान रख सकते हो, चाहो तो आप CNG लगवा सकते हो। और यहाँ पर आपको बीच है, यहाँ पर एक लाइट मिल जाएगी एंड वहाँ पर आगे एक लाइट मिल जाएगी, इधर बीच में आपको कुछ नहीं मिलेगा। रियर में आपको इसमें 4 पार्किंग सेंसर आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है भाई, 4 पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं। हाइड्रोलिक बूट मिल जाता है, पीछे आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है एंड यहाँ पर सही है, काफ़ी ठीक है। स्पेयर व्हील वगैरह आपको यहाँ पर सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है, सारा यहाँ पर आप रख सकते हो। ये चीज़ तो खैर मारुति बहुत वैसा मटेरियल देती है, नॉर्मल सा ही देती है, ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। तो इंटीरियर दिखा देता हूँ, इंटीरियर में बैठ जाते हैं, बाहर की शोर शराबा से थोड़ा दूर। तो यहाँ पर ये की चीज़ बस मुझे इंप्रेसिव लगी कि काफ़ी सारी गाड़ी में ये नहीं होती, यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है, मोबाइल रख सकते हो, पेपर रख सकते हो, कुछ भी कोटिंग वगैरह होगा, फिर एक आधी कैन आ जाएगी एंड ग्लव बॉक्स भी बहुत बड़ा है इसके अंदर, ऐसा नहीं कि छोटा सा है, ग्लव बॉक्स काफ़ी बड़ा है देखने के लिए मिलता है। एसी वेंट आपको यहाँ 4 देखने के लिए मिल जाते हैं, 2 गोल मिलते हैं और एक स्क्वायर टाइप में जैसे उस तरीके से मिल जाता है। अभी जो डैशबोर्ड है काफ़ी नीचे को गया हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप फ़ोन वगैरह भी रखते हो ना सामने तो एकदम पूरा नीचे चला जाएगा वो सब, तो ये अगर सीधा होता तो काफ़ी ठीक रहता। तन यहाँ वेंटिलेशन के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं, सन वाइजर आपको मिल जाते हैं यहाँ पर आपको, ठीक है, और डोर हैंडल वगैरह आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं, डोर ओपन ऑन लाइट वगैरह ये सारी चीज़ें आपको देखने में मिल जाती हैं। बाकी चलाने में तो काफ़ी ठीक ही है गाड़ी, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, कंपनी इतना ही ऑफर करती है, वहाँ पर आपको ड्राइवर साइड पे डोर हैंडल नहीं मिलते, बाकी सब ठीक है। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना एंड जल्दी आपको नई 2022 की वैगनार का भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपको इसके लिए सब्सक्राइब जरूर करके रखना एंड अभी आप लोग निकलते हैं यहाँ से रिवर्स गियर डाल के, ठीक है।
एंड वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय भोलेनाथ।